कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार एक्शन में हैं। डीके शिवकुमार ने पुलिस अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और उन्हें काम करने को लेकर चेतावनी भी दी। डीके ने पुलिस से पूछा, क्या पुलिस विभाग का भगवाकरण करने जा रहे हैं? हमारी सरकार में इसकी इजाजत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैंगलोर, बीजापुर, बागलकोट में भगवा कपड़े पहनकर आपने किस तरह विभाग का अपमान किया। आप सभी को इस सभा में भी भगवा शॉल ओढ़नी चाहिए थी। अगर देश के प्रति आपके मन में सम्मान है तो आपको राष्ट्रीय ध्वज के साथ काम करना चाहिए। हम अपनी सरकार में पुलिस विभाग का भगवाकरण नहीं होने देंगे। डीके शिवकुमार ने कहा कि पीएसआई घोटाले में अगर एक एडीजीपी ओएमआर आंसर शीट को बदलने में शामिल है तो ये दर्शाता है कि विभाग कितना खराब है। मामले को उजागर करने वालों को विभाग ने परेशान किया। आपने प्रियांक खड़गे को परेशान किया। इस बैठक में डीके शिवकुमार ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को काफी कुछ सुनाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक पुलिस विभाग की पूरे देश में अच्छी प्रतिष्ठा थी, आपने उस सम्मान और प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया। हर तरफ देखो भ्रष्टाचार है, हमारी सरकार में सब कुछ साफ होना चाहिए। लोगों को इस सरकार से बड़े बदलाव की उम्मीद है, इसकी शुरुआत पुलिस विभाग से ही होनी चाहिए। इस सरकार से बदलाव का संदेश लोगों तक जाना चाहिए। हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, आप किसी को भुगतान नहीं करते हैं, आपका पिछला व्यवहार हमारी सरकार में नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे और सिद्धारा मियाँ के साथ कैसा बर्ताव किया था, हमारे खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अगर आपने हमें और सिद्धारा मियाँ को नहीं छोड़ा तो क्या आप आम लोगों को छोड़ देंगे? आपको अपना रवैया बदलना चाहिए। डीके शिवकुमार से जब मॉरल पुलिसिंग को लेकर सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मॉरल पुलिसिंग यू हैड कमेंटेड यस्टरडे, व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? डेफिनेटली वी विल नॉट एनकरेज मॉरल पुलिसिंग, नो एनकरेजमेंट ऑफ मॉरल पुलिसिंग, द लॉ ऑफ द लैंड विल प्रिवेल। कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस के अलावा दूसरे विभागों पर भी नजर रखी जा रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इससे क्या क्या नए बदलाव नजर आते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।